और देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले वन नेशन वन इलेक्शन के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस चर्चा पर कांग्रेस शुरू से ही हमलावर नजर आ रही है। राजस्थान के कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्र सरकार द्वारा मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक घटिया कोशिश बताई है। आप पहले समान आदमी की आय होनी चाहिए, क्यों बेरोजगार घूम रहे लोग, क्यों महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, क्यों महिलाएं परेशान हैं, क्यों बड़े सेठ धन्ना सेठ सेठ होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, पहले वन नेशन वन वन मैन तो करो। एक समान उसको 15 लाख रुपए देने वाले थे, कहाँ गए 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को मिलने वाले थे, करते ना वो काम, ये सारी चीज़ें भूल गए। अब सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और हिंदुस्तान इनके मिजाज को समझ चुका है, इनकी नीतियों को समझ चुका है, और अब की बार मोदी सरकार वाला नारा नहीं चलेगा। अब की बार परिवर्तन होगा पूरे भारत में और सेंट्रल में, जो हमारा ये गठबंधन इंडिया अलायंस बनाए उसकी सरकार बनेगी।